तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अन अकेडमी पे आप जो है पढ़ के अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर अभी प्रोग्राम चल रहा है क्रैक नीट यूजी और लेट्स क्रैक इट, इसमें आप जो है एनरोल कर सकते हैं अपने आपको। और इसमें आप देख सकते हैं कि आप जो है डाउनलोड लेसन कर सकते हैं, कितने भी लेसन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें कभी भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर मेरी भी प्रोफाइल बनी हुई है, यहाँ पर मैंने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ डाले हैं जो आप पढ़ सकते हैं जाकर के, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पर एनरोल्ड है और यहाँ पर आपको एक्सेस मिलता है सारे इन्फॉर्मेशन का, सारे जितने वीडियोज है उन सब का। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर मेरा जो 10% का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलता है, क्योंकि अगर जैसे कि आप अगर कोड लेते हैं, कोड लगाते हैं आप मेरा, तो आपको मिलता है अच्छा खासा डिस्काउंट। आप प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा। चलिए बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो हेलो दोस्तों, देखिए अमिताभ त्रिपाठी जी ने अभी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डाली है जेई मेन और नीट के बच्चों के लिए। अमिताभ त्रिपाठी कौन है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि IIT दिल्ली के प्रोफेसर है और ये मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। वहाँ पर इनकी वेरीफाइड प्रोफाइल है, मतलब कि ऑफिशियल प्रोफाइल है। अब मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या न्यूज़ डाली है। तो इनके एक दोस्त है, इनके हिसाब से कि इनको काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे जेई मेन और नीट के रिगार्डिंग, तो इन्होंने जो है एक फाइनल आंसर दिया है। इस पर ऑफिशियल न्यूज़ आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए इनके एक दोस्त है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है सिद्धार्थ पांडे। देखिए जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ इसकी लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, आप खुद जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इनके जो दोस्त है सिद्धार्थ पांडे, वो खुद जो है ITJEE एडवांस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है। तो आप बात समझ सकते हैं कि HRD मिनिस्टर के साथ खुद इनकी मीटिंग होती है और ये खुद ऑफिशियल है और इनकी जो न्यूज़ है उसे आप ऑथेंटिक समझ सकते हैं। तो इनके हिसाब से इन्होंने कहा है कि अक्टूबर तक एग्ज़ाम जो पोस्टपोन कराया जाएगा और नीट और JEE की जो एग्ज़ाम है उसे किसी भी हालत में कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा है, इनके जो आंसर मैंने पूरा पढ़ा और फिर इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि JEE मेन और JEE एडवांस के बीच में 2 से 3 वीक्स का जो है डिफरेंस रहेगा, ताकि जो है जितने भी प्रिपरेशन का टाइम मिले। और इन्होंने कहा है कि जनवरी 2021 जो है, 2021 में जो जनवरी आने वाला है उस मंथ तक जो है आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा और 2021 के जनवरी तक जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी, नई बैच स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके देखें तो अक्टूबर तक जो है आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कराए जाएंगे। इनके हिसाब से तो यही डिसीजन है। मैं आपको बता दूं कि मेरे को इस पर पर्सनली इतना कोई ज़्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कोई पब्लिसिटी के लिए भी कर दे, हो सकता है फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भी कर दे, मुझे नहीं पता कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। पर जितना मैं कह सकता हूँ कि IIT दिल्ली के प्रोफेसर ने अगर इतना बड़ा स्टेप लिया है, क्योंकि उनको भी डर है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब है वो भी जा सकती है अगर उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक ये बात है तो मुझे यही लगता है कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। पर ये मेरी पर्सनल राय है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैंने जाके लिंक दी है, आप वहाँ पे आके ये आंसर पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये करंट सिचुएशन इन्होंने बताई है कि किस तरह से MHRD और जो HRD मिनिस्टर है रोज़ इनकी मीटिंग चल रही है और किस तरह से जो JEE एडवांस जो है और जो JEE मेन होता है उसके हिसाब से जो एकेडमिक कैलेंडर चेंज करने पर जो अभी ट्वीट भी आया था HRD मिनिस्टर का, जो मैंने कवर करा था मेरे पुराने वीडियो में, उन्होंने HRD मिनिस्टर ने खुद ने ट्वीट करके बताया था कि किस तरह से एकेडमिक कैलेंडर में चेंजेस कराए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऑथेंटिक न्यूज़ आप इसे कह सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि नीट और JEE जो एग्ज़ाम है ना उसके रिगार्डिंग ये लास्ट प्रीवियस टाइम में भी काफ़ी सारे आंसर्स डाल चुके हैं, पर इन्होंने एक फाइनल आंसर दिया है जिसके अंदर इन्होंने कहा है, पूरा एलाबोरेट कर करके आप इस आंसर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने जो पॉइंट्स बताए पूरे लॉजिकल पॉइंट्स हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा नहीं पढ़ सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेन मेन पॉइंट्स क्या क्या थे। तो इनके हिसाब से जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है, अक्टूबर तक पोस्टपोन हो सकता है। अब इस न्यूज़ का आप खुद जाके ऑथेंटिक और खुद जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। रिकॉर्ड करिए अन अकेडमी पे मेरा कोर्स चल रहा है अभी, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब मैंने पढ़ाया वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं AB सर। थैंक यू वेरी मच।